नमस्कार दोस्तों, एक तरफ तो दिल्ली की सड़कों पर किसानों का आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ दिल्ली से थोड़ा सा दूर उत्तर प्रदेश में किसानों के ही मुद्दों को लेकर उनके कंधे का इस्तेमाल करके बंदूक तानी जा रही है योगी सरकार पर। यह बंदूक तानी है, सियासी बंदूक है, वो वाली नहीं, ये बंदूक तानी है कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने, और तानी है किस पर? सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर, उत्तर प्रदेश की सरकार पर। उनका यह आरोप है कि किसानों के वोट लेने के वक्त तो ये वादा किया गया था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो 14 दिनों के अंदर आपके गन्ने के मूल्य का भुगतान किया जाएगा, लेकिन अब जब सत्ता में आ गए हैं तो फिर वो वादे जो है वो हवा हवाई साबित हो गए हैं। बाकायदा एक किसान का नाम लेते हुए प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया और लिखा कि लखीमपुर खीरी के किसान आलोक मिश्रा का 6 लाख रुपए का गन्ना भुगतान बकाया है, उनको खेती इलाज के लिए 3 लाख का लोन लेना पड़ा, 10 करोड़ का भुगतान फंसा होने के चलते यूपी के लाखों किसानों का यही हाल है, 14 दिनों में भुगतान और आय दुगनी करने का वादा जो है वो जुमला निकला है। यानी कि जुमलों को हालांकि बार बार इस्तेमाल किया जाता है, जो भी वादे बीजेपी सरकार ने किए जो पूरे नहीं हो पाए उनको जुमला ही करार दिया जाता है विपक्ष की तरफ से। और यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा जो अपनी सियासी जमीन जो उत्तर प्रदेश में लगभग खो चुके हैं, उसको जमीन को वापस पाने के लिए, वापस तलाशने के लिए लगातार जुगत में लगी हुई हैं और कोई ऐसा मौका छोड़ती नहीं है उत्तर प्रदेश की सरकार पर निशाना साधने का। ऐसे में ये जो आलोक मिश्रा हैं, इन किसान का एक ये पूरा मामला उनके पास पहुंचा तो उन्होंने कहा इसी के जरिए ज़रा निशाना साधा जाए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर, क्योंकि ये वही सरकार है जो अभी तक, हम मैंने कुछ दिन पहले सुना था, मुख्यमंत्री को भी सुना था, उन्होंने कहा था जितना भुगतान हमने इस सरकार में किया है उतना आज से पहले वाली सरकारों ने किया ही नहीं था। लेकिन फिर भी प्रियंका गांधी ये बता रही हैं कि अभी भी 10,000 करोड़ का भुगतान जो है वो फंसा हुआ है और आपने तो वादा किया था कि 14 दिनों के अंदर दे देंगे, क्या हुआ उस वादे का, ये सवाल किया। इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि विपक्ष इस मुद्दे को अभी उठा रहा है, इससे पहले अखिलेश यादव भी इसको लेकर निशाना साध चुके हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जन विरोधी और किसान विरोधी बताते हुए हमला किया था। उन्होंने ट्वीट कर MSP, किसानों के मुद्दे, बेरोजगारी की समस्या, महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराधों पर तंज कसा। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि ना MSP दिलवाना, ना किसानों की आय व गन्ने का दाम बढ़ाना, ना बेरोजगारों को काम दिलाना, ना नारी का मान बचाना, ना बेइंसाफी को खत्म करना, अच्छा नहीं है बस आना, झूठे सपने दिखाना, बहलाना, बहकाना और बस चले जाना, जनता भी कह रही है अब की बार है सबक सिखाना। ये तरीका है विपक्षी दलों का, उनके प्रमुखों का, ट्वीट के जरिए आजकल सियासत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, अब जमीन पर कम, सोशल मीडिया पर सियासत ज्यादा होती है, एक दूसरे पर वार पलटवार ज्यादा होता है, यही फिलहाल हो रहा है। चाहे ये प्रियंका गांधी वाड्रा का आप ट्वीट देख लीजिए या फिर अखिलेश यादव का, आप देखते हैं ऐसी ट्विटर की जो जंग शुरू हुई है किसानों के इस गन्ने भुगतान को लेकर, इसका जवाब क्या आता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि जवाब तो जरूर आएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई प्रवक्ता, कोई ना कोई नेता इस पर जवाब जरूर देंगे, ये तो तय है, क्योंकि उन पर आरोप बड़ा गंभीर लगा है, सीधा सीधा जुमला करार दे दिया है उनके वादों को। आप क्या सोचते हैं इस बारे में बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।